गाइज आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं 6,500 की एंड्रॉइड वॉच को 3,000 की एंड्रॉइड वॉच से। सो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि इन दोनों 4G वॉचेस में से सबसे बेस्ट कौन सी है। तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। सबसे पहले इनकी पैकेजिंग पर नजर डालें, सो ये दोनों ही वॉचेस कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आती हैं। देन लुक्स के मामले में एसेट अल्ट्रा एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह लगती है जिसका प्रॉपर साइज 49mm है। बाकी बिल्ड क्वालिटी भी इस वॉच में आपको सॉलिड मिलेगी, मींस ये वॉच पूरी मेटेलिक है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं फायरबोल्ट ड्रीम की, सो इसकी लुक सीरीज 9 की तरह लगती है, प्लस ओवरऑल जो बिल्ड है वो भी मेटेलिक है। बाकी अगर मैं दोनों ही वॉचेस की स्लिमनेस की बात करूं, सो यहां पर आप लोग देख सकते हो एसेट अल्ट्रा ज्यादा मोटी है फायरबोल्ट ड्रीम से, प्लस आजू बाजू का जो स्ट्रक्चर है वो भी दोनों का डिफरेंट है। बाकी दोनों ही वॉचेस में क्राउन वर्किंग है, प्लस एक माइक्रोफोन वेंट भी मिल जाती है। वहीं इनके बैक साइड की भी पूरी बिल्ड मुझे सेम लगी, प्लस दोनों का चार्जिंग स्लॉट भी सेम है, मींस दोनों ही वॉचेस एक ही चार्जर से चार्ज होती हैं। लेकिन बैक साइड की जो ओवरऑल लुक है एसेट अल्ट्रा की वो डिफरेंट है फायरबोल्ट ड्रीम से। इसके अलावा बेटर क्वालिटी के स्ट्रैप्स आपको फायरबोल्ट ड्रीम में देखने को मिलेंगे, ना कि एसेट में। इसके बाद अगर मैं दूसरी साइड्स की बात करूं, तो यहां पर हमें ये एक्शन बटन मिलता है, लेकिन ये एक्शन बटन नहीं है, बिकॉज एक्चुअल ये वाला पार्ट इन दोनों ही वॉचेस का सिम कार्ड स्लॉट है जिसे आप कुछ इस टाइप से बाहर निकालकर सिम कार्ड वगैरह इंसर्ट कर पाओगे। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये दोनों ही वॉचेस 4G नेटवर्क को सपोर्ट करती है, ना कि 5G को। मींस 4G नेटवर्क में कॉलिंग एंड नेट दोनों ही चल जाएगा, बट 5G सपोर्ट नहीं करेगा। एंड बात रही स्पीकर की, सो एसेट में इस वाले पार्ट पर इसका स्पीकर है। चलिए अब दोनों ही वॉचेस को एक साथ स्विच ऑन करते हैं एंड देखते हैं कौन सी वॉच सबसे पहले ओपन होती है। ऑल राइट दोस्तों, यहाँ पर जो वॉच सबसे पहले ओपन हुई है वो है फायरबोल्ट ड्रीम। नेक्स्टली डिस्प्ले की बात करूं, तो दोनों ही वॉचेस में 2 इंचेस का क्रिस्टल व्यू डिस्प्ले है, प्लस इनबिल्ड वॉच फेसेस भी आपको दोनों ही वॉचेस में बराबर ही मिलेंगे। लेकिन फायरबोल्ट ड्रीम का ये प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको स्पेशली वॉच फेस गैलरी मिलती है जहां से आप अपने फेवरेट वॉच फेस को डाउनलोड करके वॉच में सेट कर पाओगे, बट ये वाला फीचर आपको एसेट अल्ट्रा में नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर दोनों ही वॉचेस की कलर एफिशिएंसी की बात करें, तो यहां पर मैंने दोनों ही वॉचेस में वीडियो प्ले करी जिसे देखने के बाद मैंने ये एनालाइज किया कि एसेट अल्ट्रा की डिस्प्ले थोड़ी ब्राइट है, वहीं दूसरी तरफ फायरबोल्ट ड्रीम की डिस्प्ले कम ब्राइट है। लेकिन कलर कैप्चरिंग दोनों ही वॉचेस में सेम है, कोई खासा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। वहीं बात रही बैटरी बैकअप की, सो एसेट अल्ट्रा में 500mAh की बैटरी बैकअप है एंड दूसरी तरफ फायरबोल्ट ड्रीम में 800mAh की, बट फिर भी दोनों ही वॉचेस को दिन में 2 बार तो चार्ज करना ही पड़ता है। आगे रिफ्रेश रेट की बात कर ले, सो फायरबोल्ट ड्रीम में 90Hz का रिफ्रेश रेट है, वहीं एसेट अल्ट्रा में 60Hz का। लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से एसेट अल्ट्रा में 45Hz का रिफ्रेश रेट है, और ये चीज मैं आपको पर्सनली एक्सपीरियंस करके ही बता रहा हूँ। नेक्स्टली दोनों ही वॉचेस में वाईफाई हॉटस्पॉट ब्लूटूथ तीनों का ही सपोर्ट है, वहीं कनेक्टिविटी भी दोनों ही वॉचेस की एकदम सेम है। और जब इतनी सारी चीजें सेम निकल रही है, सो स्टोरेज एंड रैम क्यों पीछे रहे? सो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही वॉचेस में 16GB का इनबिल्ड स्टोरेज है, बट रैम फायरबोल्ट ड्रीम में 2GB की है, वहीं एसेट अल्ट्रा में सिर्फ 1GB की, जिस वजह से दोनों ही वॉचेस में इंटरनेट ब्राउजिंग आराम से हो जाती है। लेकिन जो रेंडरिंग टाइम है वो फायरबोल्ट ड्रीम में आपको फास्ट मिलेगा एसेट के कंपैरिजन में बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा 1GB रैम। लेकिन दोनों ही वॉचेस में आपको सेंसर्स बिल्कुल फेक मिलने वाले हैं, मींस दोनों ही वॉचेस हेल्थ पर्पस के लिए नहीं बनी, बट आप चाहो तो दोनों ही वॉचेस में यूट्यूब आराम से चला पाओगे। लेकिन वीडियोस का रेंडरिंग टाइम फायरबोल्ट ड्रीम में ज्यादा फास्ट है एसेट के कंपैरिजन में। वैसे यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस एंड लॉन्ग वीडियोस दोनों में ही चल जाती है एंड दोनों ही वॉचेस में मैक्सिमम वीडियो क्वालिटी आपको 1080p में ही देखने को मिलेगी। और डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि दोनों वॉचेस में बस ब्राइटनेस का डिफरेंस है। वीडियो में आगे बढ़े, सो BGMI जैसी हाई ग्राफिक गेम आप फायरबोल्ट ड्रीम में आराम से खेल पाओगे। मैं इस टॉपिक पर बहुत जल्द वीडियो ले आऊंगा। बाकी अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या एसेट में भी BGMI चलती है? सो वो चीज मैं आपको वीडियो में आगे शो करूंगा, थोड़ा वेट कर लो। फिलहाल IP रेटिंग की बात कर ले, तो फायरबोल्ट ड्रीम में आपको IP67 की वाटर रेसिस्टेंसी मिलेगी, जो कि एसेट अल्ट्रा में भी सेम है। पीछे मैं हाई ग्राफिक गेम्स की बात कर रहा था, सो मैं आपको बता दूं एसेट अल्ट्रा में COC जैसी नॉर्मल हाई ग्राफिक गेम्स चल जाती है, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि इस वॉच में BGMI एंड फ्री फायर जैसी गेम्स चल जाएगी, सो आप गलत हो, क्योंकि जब
मैंने इस वॉच में BGMI को डाउनलोड किया था सो मुझे लगा था कि इस वॉच में आराम से चल जाएगी, लेकिन जैसे ही मैंने BGMI को ओपन करके लॉगिन करना चाहा उस टाइम तो गेम ही क्रैश हो गई, जो ये दिखाता है कि इस वॉच में हाई ग्राफिक गेम्स नहीं चलने वाली। लेकिन यही सेम चीज फायरबोल्ट ड्रीम में आराम से चल जाएगी, जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में शो करूंगा। बाकी फिलहाल दोनों ही वॉचेस की साउंड क्वालिटी का टेस्ट कर लेते हैं। ये तो था फायरबोल्ट ड्रीम का साउंड टेस्ट। चलिए अब कर लेते हैं एसेट अल्ट्रा का, जिसके लिए मैं अपनी साउंड को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लूंगा। ऑलराइट गाइस, मैंने आपको वो हर एक डिफरेंस बता दिया जो इन दोनों ही वॉचेस को अलग बनाता है। बाकी चॉइस आपकी है इन दोनों में से आपको किसे बाय करना है, क्योंकि एक Amazon पे मिलती है तो दूसरी नॉर्मल वेबसाइट पे। देन फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।